मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। कविता संवेदना की चीज है, भौतिकवाद के कारण कविता कर्म कठिन हो गया है। कविता कथ्य की मोहताज होती है, शिल्प की नहीं, वह कलेवर से नहीं तेवर से जानी जाती है। ये बातें साहित्य भूषण साहित्यकार राजाराम सिंह ने रविवार को नगर के एक होटल में आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह एवं काव्य संध्या कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। यह कार्यक्रम साहित्य सेवी स्वर्गीय बनवारी लाल यादव की पुण्यतिथि पर उनके द्वारा रचित पुस्तक सुलगति स्वतंत्रता एवं उनकी पुत्री रचनाकर सरोज यादव की लिखित पुस्तक निठारी के दर्द के विमोचन के लिए विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उप महानिदेशक निबंधन कमला प्रसाद ने कहा कि साहित्य सृजन में आज बेटियां पिता की धरोहर को आगे बढ़ा रही हैं। कार्यक्रम में स्वर्गीय बनवारी लाल की पुस्तक सुलगति स्वतंत्रता के समीक्षात्मक व्याख्यान में पूर्व प्राचार्य दुग्जराम यादव ने कहा कि सामाजिक विषमता पर केंद्रित यह पुस्तक अनेक विसंगतियों मसलन शिक्षा एवं आर्थिक विषमता को उजागर करती है। उसी क्रम में साहित्यकार जगदम्बा दुबे ने निठारी के दर्द की समीक्षा पर कहा कि पुस्तक का लोकार्पण पुत्र जन्म के समान होता है। यह पुस्तक सामाजिक विद्रूपता और विसंगतियों जैसी ज्वलंत समस्याओं को हम सबके सामने लाई है। राजेंद्र प्रसाद राहगीर ने कहा कि लेखक को हिंदुस्तान की आज़ादी तो अच्छी लगी, परंतु आज़ादी के बाद का हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगा। सत्ता पाने के बाद भारतीयों की मनोदशा अंग्रेजों जैसी हो गई। कार्यक्रम को नरेंद्र नाथ कमला प्रसाद राजाराम यादव ने संबोधित किया।